आज दिनांक 16 फरवरी 2022 को आपको मैं संत रविदास जन्म स्थली श्री गोवर्धन वाराणसी का दर्शन कराऊंगा। आज संत रविदास जयंती के अवसर पर मैं आपको संत रविदास जी का जन्म स्थल वाराणसी पर ले चलता हूँ। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और पूरा वीडियो देखिए। आपको मैं पूरा किस प्रकार से संत रविदास जयंती वाराणसी में संत रविदास जी का जहाँ जन्म हुआ था श्री गोवर्धन में मनाया जाता है उसे मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। और यहाँ पर आने के लिए आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन या रोडवेज बस स्टैंड से आप BHU पहले आइए। BHU तक आपको इस समय 25 रुपये ऑटो का भाड़ा लगता है, किराया लगता है। BHU से आने के बाद आपको BHU से ये 2 या 2.5 किलोमीटर लगभग श्री गोवर्धन स्थान पड़ेगा। आप पैदल भी BHU से गेट से आ सकते हैं पूछते हुए श्री गोवर्धन स्थान पर, या ऑटो से भी आप आ सकते हैं। 2 या 2.5 किलोमीटर BHU से है। आप पूछिए कि श्री गोवर्धन स्थान कहाँ है, संत रविदास जी का जन्म स्थल यह है, आप वहाँ पर आ जाइए। देखिए, मैं यही आपको रविदास जयंती के गेट में अंदर प्रवेश कर का दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी से मैं उधर जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, और आप पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखें और हमारे चैनल बने रहें। आज यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस मंदिर का दर्शन किया। आपको बता दें कि पंजाब से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप देखेंगे कि भक्तों के आवास के लिए, निवास के लिए यहाँ पर करीब हर प्रदेश का टेंट लगा हुआ है। और आपको बता दें कि भक्तगण के सुविधा हेतु यहाँ पर निःशुल्क लंगर पंजाब के लोग चलाते हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था रहता है, लंगर भी निःशुल्क रहता है, बहुत सारा अच्छा व्यवस्था रहता है। निःशुल्क लंगर का भी मैं दृश्य आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, ये संत श्री रविदास जयंती का ये संत जहाँ पर जन्म हुआ था वही स्थान है, वहाँ एक भव्य मंदिर बन चुका है। आप इस समय मंदिर का दर्शन करने के लिए देखिए कितने भीड़ लगे हुए हैं। लोग इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आज के दिन बहुत भीड़ है, लोग लाइन पंक्ति में लगाए हुए हैं। और यह देखिए मंदिर का दृश्य है, इस समय आप देख रहे हैं YouTube चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव। 1433 की मांग सुदी पंद्रास दुखियों के कल्याण के लिए प्रगटे श्री रविदास, इस मंदिर पर ऊपर लिखा हुआ है, आगे गेट पर ही आप देख सकते हैं। दोस्तों, जी हाँ, संत रविदास जन्म स्थली मंदिर इस गेट पर लिखा हुआ है। और बहुत सारे भीड़ है, ट्रैफिक जाम हो जाता है आज के दिन। और देखिए कितना भव्य मंदिर बन चुका है। इस स्थान पर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है, सारे लोग जो धानी कलर में पहने हुए हैं, कुछ लोग यह जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और वो देख रहे हैं। 1400 के लगभग प्रकट हुए रविदास जी जी का जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप इसका दृश्य देखते रहे। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव। मैं आपको ऐसे तमाम वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जहाँ जाता हूँ अच्छे अच्छे स्थानों का दर्शन कराता हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो डालता हूँ, स्वस्थ मनोरंजन करता हूँ, आपको ज्ञानात्मक वीडियो डालता हूँ। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल विजय कुमार श्रीवास्तव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखिए कितना भीड़ है, एक चोटी रखने का भी जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। हमको लगता है कि 1,00,000 से ऊपर लोग
यहाँ पर है, बहुत दूर तक कई 2-3 किलोमीटर तक यह भीड़ ऐसे दिखता ही रह जाएगा दोस्त। मैं वीडियो बना रहा था जब 2-3 किलोमीटर मैंने देखा कि हर जगह इधर बिल्कुल ऐसे ही भीड़ था। मैं 16 फरवरी 2022 को सिर्फ आपको संत श्री रविदास जी के मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ, आप इसे देखिए। बेगमपुरा से आई है, उन्होंने कल 17 तारीख को 10 बजे इस पंडाल के विच बसा चलन गए। 17 तारीख की वापसी जेडी संगत महाराज जी ने स्पेशल ट्रेन चाहिए है, उन्होंने बसा कल 10 बजे पंडाल चलन गए। तो जेडी संगत स्पेशल ट्रेन महाराज जी आए हैं, वो कृपा करके 10 बजे तक कल पंडाल में पहुंच जाएंगे। खुशी में लोग हैं आज संत श्री रविदास जयंती का मनाने के लिए, और मनाने के लिए आप ऐसी भीड़ को देखिए किस प्रकार से लोग खुशियां मनाते हुए दर्शन करने जा रहे हैं। सपरिवार पंजाब से बहुत सारे लोग पधारे हुए और देखिए कितना खुशी मना रहे हैं कि आज संत श्री गोबरी रविदास जी का जन्मदिन है। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विजय क्लास, देखिए यहाँ पर देखिए भांगड़ा डांस हो रहा है, आपको बहुत सारे आदमी और औरतें भी डांस करेगी, उसका मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊंगा। यह देखिए लगती है ना अपनी भाषा में, अपनी भाषा में।
हाँ दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर लंगर में लोग करीब एक दिन में 1 लाख लोग लगभग भोजन करते होंगे। और उसी दृश्य संत रविदास जयंती का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से बैरिकेडिंग किया गया है, लोग लाइन में लंगर खाने के लिए सुबह का समय है जा रहे हैं। और आप हमारे YouTube चैनल विजय कुमार सर को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों का मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं और गुप्त।